हेलो नमस्कार बृंदा आचार्य, मैं आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर महापंचायत को लेकर। आगे तारीफ जो है ना कन्फर्म हो चुकी है, इसलिए अतिथि शिक्षक किसी भी भ्रमित में ना रहें। 2 तारीख को निश्चित है कि आपकी महापंचायत होने वाली है और आपका नियमितीकरण होने वाला है, ठीक है। तो अतिथि शिक्षकों को किस आधार पर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, जिला अध्यक्ष लखन लोधी रायसेन की ने पूरी विस्तार से जानकारी दी है। अतिथि शिक्षकों को किस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, ठीक है, सरकार ने इनको क्या व्यवस्था की है, पूरी विस्तार से उसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ। एक तो आपको प्रवेश पत्र लेके जाना ही जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और सरकार ने बसों की व्यवस्था की है अतिथि शिक्षकों को लाने और ले जाने के लिए। तो अतिथि शिक्षक भ्रमित न रहें, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक तैयार रहें और डॉक्यूमेंट्स प्रवेश पत्र जरूर रखें और अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब अपने पास रखें, ताकि कोई अन्य अतिथि शिक्षक इसका फायदा ना उठा सके। जिला अध्यक्ष ने सूचना जारी की है पूरे प्रदेश भरे के अतिथि शिक्षकों को। लखन सेन लोधी हैं, रायसेन के जिला अध्यक्ष हैं, तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वार्ता बताने वाला हूँ क्या कहा गया उनकी ओर से। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नए अपडेट पाने के लिए। नमस्कार, मैं राम लखन लोधी जिला अध्यक्ष आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ जिला रायसेन। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 2 सितंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत संभावित है, प्रस्तावित है, बिना किसी ठोस कारण के स्थगित नहीं होगी, संभावित है। जैसा कि कई डेटा चल रहे हैं ग्रुपों पे, किसी जिले से 8 अतिथि शिक्षक बुला रहे हैं, किसी से 2 बुला रहे हैं, किसी से 50 बुला रहे हैं, तो ये सब भ्रांतियाँ हैं। उसका ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर बसें उपलब्ध करवाई गई हैं, जो दूर के ज़िले हैं उनसे सीमित संख्या में अतिथि शिक्षक बुलाए जा रहे हैं और जो पास के ज़िले हैं उससे 100% शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। तो हमें अन्य संघ या अन्य भ्रमित करने वाले लोगों से दूर रहना है, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में महापंचायत में पहुंचना है। जो बाहर हैं, जो कार्यरत हैं, सभी प्रकार के शिक्षकों को महापंचायत में 100% पहुंचना ही है। अब मैं जिला रायसेन की बात करता हूं। जिला रायसेन में लगभग 2000 कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं और पुराने मिला के 5000 अतिथि शिक्षक हैं। सभी को महापंचायत में पहुँचना है, सभी को जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन और संकुल प्रचार के द्वारा जिनके हस्ताक्षर होने के बाद परिचय पत्र बनेंगे वो सबको लेना है, उसके बाद ही हम महापंचायत में जाएंगे। जिला और ब्लॉक पे निर्देशित कर दिया गया है कि अति शिक्षकों के परिचय पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाए। जैसा कि सभी को विदित है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय रामलखन जी लोधी ने बताया आपको कि परिचय पत्र पर ब्लॉक अधिकारी, जिला अधिकारी के सिग्नेचर होंगे और ये आपको संकुल प्राचार जी द्वारा बताया भी जाएगा और प्रत्येक अतिथि शिक्षक को परिचय पत्र लेके जाना ही अनिवार्य है। और क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं और लगभग बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि काम बिगाड़ने में लगे, और जो इसकी स्पष्ट जानकारी है, जैसा कि प्रशासन द्वारा बसों को उपलब्ध कराया जा रहा है आपको लाने ले जाने के लिए। दूसरी बात, जैसा कि सभी लोग भ्रमित हैं कि 2 तारीख को प्रस्तावित है तो ऐसा है वैसा है, तो ये अभी अध्यक्ष महोदय द्वारा आपको बताया गया है कि 2 तारीख को प्रस्तावित है और किसी भी 99% किसी भी कारणवश ये स्थगित नहीं होगी, और अगर होगी तो आपको इसकी जानकारी पहले दे दी जाएगी और लेटर के माध्यम से, जो कि गवर्नमेंट जारी करेगी। बाकी आपको फुल फ्रेश तैयार रहना है, प्रत्येक अतिथि शिक्षक भोपाल जरूर जाए, लाल परेड ग्राउंड पर ये महापंचायत आयोजित होगी और समय आपको मालूम ही है। और इसके बाद में इसमें मामा जी के द्वारा हमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे मामा जी के द्वारा बहुत ही
उम्मीद से ज़्यादा हमें लाभ प्रदान किया जाएगा, ये कन्फर्म है। तो अधिक से अधिक संख्या में इतना भर दो लालपेड़ ग्राउंड को कि मामा गदगद हो जाए, हमें उम्मीद से और ज़्यादा दे दें। बस तो इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अतिथि शिक्षक सर।